वेलकम टू द चैनल डाइन विद ग्रेस अ न्यू डे विथ अ न्यू रेसिपी आज मैं आप सबसे होम मेड स्वीट डिश नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं सबको बहुत पसंद आते हैं और होम मेड है हेल्दी है तो चलिए आज हम मिल के बनाते हैं नारियल के लड्डू ये इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो नारियल ले ली हूँ इसको अच्छे से छिलकर धोकर मैंने पीसेस में काट लिया है अब मैं इसको की ये देखिए यहाँ पे मैं नारियल को कीस ले रही हूँ मार्केट में भी ग्रेटेड कोकोनट जो पाउडर होता है वो मिलता है अवेलेबल रहता है बट उसके अगर आप लड्डू बनाते हैं तो ये टेस्ट नहीं आएगा जो आप कीस के बनाते हैं तो ज़रूर एक बार मेरे तरीके से नारियल को कीस कर लड्डू बनाइए बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं गर्मियों में दिन भर बच्चों का मन कुछ ना कुछ खाने का करता है और स्वीट्स उनको बहुत पसंद होते हैं चाहे लड्डू हो बर्फ़ी हो तो अगर होम मेड स्वीट्स हम उनको देते हैं तो उनके लिए हेल्दी भी है और ये डिलीशियस भी बहुत लगता है ये देखिए मैं सारे नारियल को कीस ले रही हूँ कीसने के बाद इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाएंगे उसके हम चटनी भी बाद में बना सकते हैं उसको फेंकीेगा मत ये, ये देखिए मैंने पूरे दो नारियल को अच्छे से पीस लिया अब मैं दूध ले रही हूँ यहाँ पे मैं अमूल का जो टेट्रा पैक आता है 500 हंड्रेड का वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे मैं पूरे दूध को इसमें पोर कर दे रही हूँ और इसको हम फिर गर्म कर लेंगे एक बात का ध्यान रखिएगा लड्डू बनाने से पहले जो दूध आप यूज़ करेंगे उसको पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए उबाल लीजिए उसके बाद हम उसमें जो पीसे हुए नारियल है उसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे दूध को मैं गर्म करने रख दे रही हूँ अमूल दूध में मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है फाइव हंड्रेड में ही मैंने अपने कोकोनट को मिलाया तो दो कोकोनट यहाँ पे यूज़ किया है मैंने अप्रोक्स 250 ग्राम ये कोकोनट है तो इसको दूध में अच्छे से हम मिला ले रहे हैं अब आपको इसको स्लो फ्लेम में पकाना है तब तक पकाना है जब तक ये पूरा दूध जो है वो नारियल में मिक्स नहीं हो जाता ये देखिए बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है अगर हम इसको नहीं चलाएंगे ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपक सकता है और फिर पूरे लड्डू में उसकी एक स्मेल सी आ जाती है इसलिए आपको इसको चलाते रहना है बहुत जल्दी ये बन जाता है हाफ एन आवर में बहुत टाइम नहीं लगता नारियल के लड्डू बनाने में और मार्केट से ज़्यादा अच्छे घर के नारियल के लड्डू होते हैं ये देखिए मैं इसको चला ले रही हूँ अब इसमें डालने के लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है अगर आप थोड़ी कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कम ले सकते हैं ये देखिए पूरा जो दूध है इसका वो नारियल में मिक्स हो जा रहा है धीरे धीरे पूरा दूध इसमें से सूख जाएगा हमको इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा पिंकिश चेंज हो जाए तब तक अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे ये देखिए ये अच्छे से पक चुकी है जैसे जब इसमें दूध कम हो जाए तब आपको इसमें शुगर ऐड करना है तो यहाँ पे शुगर मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको थोड़ा और फाइव मिनट और इसको कुक होने दूंगी इस वक्त आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ये देखिए हमारा नारियल का लड्डू ऑलमोस्ट रेडी है जैसे आप चीनी मिलाएंगे ये सूख जाएगा तब हमको इसको फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने पर इसके गोल गोल लड्डू बना लेने हैं तो देखा आपने नारियल के लड्डू बहुत इजीली घर पे आप बना सकते हैं अपने नियर डियर वंस को खिला सकते हैं बच्चों को खिला सकते हैं और मार्केट के लड्डू से ज़्यादा अच्छा होम मेड नारियल के लड्डू लगते हैं तो मैं इसको एक बार चला ले रही हूँ और फिर मैं इसको फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने दूँगी देखिए इसका पूरा कलर भी चेंज हो गया है वाइट से पूरा ये पिंकिश कलर में आ गया है यहाँ पे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं मैं इलायची दाना ऐड करी हूँ फाइव मिनट और मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगी और फिर फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए हमारे नारियल के लड्डू रेडी हैं अब आप देख सकते हैं ये पूरा दूध सूख चुका है पूरी शक्कर भी इसमें मिक्स हो चुकी है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे ये देखिए अब मैं इसको फ्लेम को बंद करके अलग रख दी इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दे रही हूँ और अब इसके मैं गोल गोल लड्डू बना लूँगी तो ये हमारे नारियल के लड्डू रेडी हैं बहुत ही कम मेहनत में कम इंग्रेडिएंट्स में ये आपके नारियल के लड्डू प्रिपेयर हो जाते हैं तो इस गर्मी वेकेशन में आप ज़रूर इसे बनाएं अपने नियर डियर वंस को खिलाएं बच्चे को खिलाएं और मुझसे शेयर करिए कि आपको होम मेड नारियल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरे नारियल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल डाइन विद ग्रेस को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि इसी तरह मैं अपनी होम मेड डिलीशियस ईजी टू मेक और हेल्दी रेसिपीज़ आप सबसे शेयर कर सको